कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने मंगलवार को विश्वास जताया कि कोविड 19 का टीका 2021 की शुरुआत में आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके आते ही सरकार इसकी आपूर्ति राज्य के हर स्थान तक करना सुनिश्चित करेगी। एस्ट्राजेनेका के प्रबंध निदेशक गगन सिंह बेदी के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि टीके के परीक्षण के पहले चरण के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। उन्होंने कहा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित इस टीके के पहले चरण का परीक्षण पूरा हो चुका है और इसके नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। दूसरे एवं तीसरे चरण का परीक्षण किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि बेदी ने उनसे कहा है कि कंपनी के पास 1 अरब खुराक उपलब्ध कराने की क्षमता है। गौरतलब है कि यह कंपनी इस टीके को 2021 के शुरुआती महीनों में पेश करने की योजना बना रहा है। सुधाकर ने कहा कि एक बार इसके बाजार में आने के बाद कर्नाटक सरकार यह सुनिश्चित करेगी इसे राज्य के हर स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। मंत्री ने कहा कि सबसे पहले यह दवा कोविड के खिलाफ संघर्ष करने वाले जैसे चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरामेडिकल्स कर्मियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद इसे पुराने बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं एवं बच्चों को दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पहले चरण के परीक्षण के नतीजे उत्साहजनक थे। परीक्षण के दौरान जिन 56 लोगों को यह टीका दिया गया था उनमें एंटीजन विकसित हुआ था जो उनमें अब भी बरकरार है। मंत्री ने कहा, हमें यह देखने के लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा कि एंटीजन बरकरार है या नहीं। टीके की कीमत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी मंशा किसी विवाद में पड़ने की नहीं है और इस बारे में मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा अपने विवेक से निर्णय करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच और इसका इलाज मुफ्त में हुआ है। सुधाकर ने कहा, हमारी सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सभी तक पहुंचे। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।